हे दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है और आप देख रहे हैं पीजीबीआई। और आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे जो मशहूर सिंगर सनम पुरी, उनके जो सॉन्ग्स में लास्ट में सनम जो ऐसा टेक्स्ट इफेक्ट आ जाता है उनके वीडियोस में, तो वो इफेक्ट कैसे डाला जाता है वो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रमोशन करना चाहता हूँ। बोट रॉकर 600 ब्लूटूथ ब्लैक हेडफोन्स अवेलेबल है अमेजॉन पे एट अ प्राइस ऑफ 2299 रुपीज़, जो कि 3990 रुपीज़ का हेडफोन है। आपको 2299 रुपीज़ से मिल रहा है, यानी कि आप 1691 रुपीज़ सेव कर सकते हो। ये सुपर कम्फर्ट हेडफोन्स है और आप इसके रिव्यू देख सकते हैं। ये हाई डेफिनेशन साउंड देगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कीजिए। तो दोस्तों, सिंपली आपको आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करने हैं, उसके बाद फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद न्यू कंपोजिशन में जाना है, कंपोजिशन न्यू कंपोजिशन क्लिक करना है और विद एन हाई क्वालिटी बाय 720 में रिकमेंड करता हूँ। फिर आप उसको बॉक्स में जाके आपको राइट क्लिक करना है, इम्पोर्ट फाइल क्लिक करना है। आपका जो फाइल है उसको इम्पोर्ट कीजिए। इम्पोर्ट करने के बाद उस फाइल को नीचे ड्रैग कीजिए कंपोजिशन के अंदर, और ड्रैग करने के बाद ये फुटेज है मेरा जिसमें एक पर्सन यहाँ से वहाँ जा रहा है, यानी कि जो सनम में जो चारों लोग जो सिंगर्स है वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उसी तरह एक हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जो यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक सनम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ और जो फॉन्ट है वो नेक्सा बोल्ट है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फॉन्ट अगर यूज़ करना है आपको तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहाँ से उसकी साइज़ कम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उसको सेंटर में रखता हूँ, टेक्स्ट को सेंटर पे टेक्स्ट रखने के बाद मैं पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। पेन टूल सिलेक्ट कीजिए। पेन टूल सिलेक्ट करने का उस पर्सन के जो पीछे की साइड होती है, क्योंकि पीछे की साइड है, उसको सिलेक्ट कीजिए पेन टूल से, प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। और पेन टूल से प्रॉपरली सिलेक्ट करना मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ताकि हमें आगे जाके उसका यूज़ हो सके। तो पेन टूल से सिलेक्ट करने के बाद मैं पेन टूल फिनिश कर देता हूँ, और फिनिश करने के बाद तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा। फिर टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, फिर एम दबाना है यानी कि मास्क पे दबाना है, और जो क्लॉक आइकॉन है उस पर क्लिक करना है। क्लॉक आइकॉन पे क्लिक करना कंपलसरी है, तो ही जाके ये इफेक्ट यूजफुल है। फिर आपको सिलेक्शन टूल में जाना है। सिलेक्शन टूल से फिर जो भी आपके जो पॉइंट्स है जो कि पेन टूल से सिलेक्ट किया है उस पर ड्रैग कीजिए, तो पर्टिकुलर सब सारे सिलेक्शन पॉइंट को आगे ड्रैग कीजिए। फिर से पेज डाउन बटन दबा दीजिए, पेज डाउन बटन दबाना कंपलसरी है, और पेज डाउन बटन दबाने के बाद फिर से उसको आगे खींचिए, आगे ड्रैग कीजिए। जो सारे पॉइंट्स को हमने सिलेक्ट किया ना उनको ड्रैग कीजिए आगे। फिर से पेज डाउन बटन दबाना है और फिर से सारे पॉइंट्स को आगे खींचना है। फिर से पेज डाउन बटन दबाना है और आगे खींचना है। तो इसी तरह ये इफेक्ट उन्होंने यूज़ सनम जो सॉन्ग है गुलाबी आके, उन्होंने इस सॉन्ग में ये टेक्स्ट इफेक्ट इसी तरह यूज़ किया है। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसी तरह ये उन्होंने टेक्स्ट इफेक्ट उन्होंने इंप्लीमेंट किया गया। तो हम लोग पूरे फुटेज को देखते हैं कि कैसी बनी है फुटेज, तो प्ले करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी रोजाना कंटेंट बेस्ड वीडियो लेके आता रहूँगा। माय नेम इज इंद्रजीत एंड आई एम साइनिंग आउट।